ओवरऑल इट वॉज मोर डिफिकल्ट देन इंटरनेशनल बिजनेस यस फॉर श्योर बट मेरे को आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स कहीं स्कोप नहीं दिखा सो शी वर्क्स फॉर द फेडरल गवर्नमेंट या कि कनाडा की सरकार के लिए बट सम प्रोफेसर्स आर वेरी हेल्पफुल हेलो एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा तो भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे एल्गोनक्विन कॉलेज के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन She landed a job with the government of Canada. अपने PGWP पे आते ही जॉब कैसे मिली Algonquin College की क्या रियलिटी है क्या पढ़ा रहे कुछ यूजफुल है Everything will be covered in this video. I am in the beautiful city of Ottawa, Parliament Hill पे हूँ Let's start this video without wasting any time. तो सबसे पहले which city are we in? We are in Ottawa. How long have you been in Ottawa for? For roughly around 2 years. Nice. So you know Ottawa somewhat. कि 2 साल में अच्छा खासा पता लग जाता है. हाँ जी, somewhat. चलो. तो आपने कौन से कॉलेज से यहाँ पे पढ़ाई करी और कोर्स क्या था? तो Algonquin College. First of all, कोर्स था पहला International Business Management. Second one was HR, Human Resources. Very nice. अभी ये दो कोर्स करने के बाद Algonquin से पढ़ने के बाद, what do you do for work? I work for the federal government and the Parliament of Canada. Very nice. So she works for the federal government या कि कनाडा की सरकार के लिए and Parliament of Canada. Awesome. और बात करते हैं Algonquin College के बारे में और सवाल है मेरे तो let's move on. सबसे पहले तो मुझे इन दोनों कोर्सेज की कॉस्ट बता दो आपका कितना पैसा लगा था ये दोनों कोर्स करने में फर्स्ट कोर्स को लगा था 16,500 सेकेंड को लगा था 17,200 तो जो पहला कोर्स था आईबी तो अभी आईबी कोर्स को बहुत ज्यादा वो मिलती है बैड रैप मिलती है yes. तो इज इट वर्थ मतलब है आईबी वर्थ इट है कुछ ऐसा सिखा रहे हैं दैट इज वेरी यूजफुल या नहीं नहीं मेरे एजेंट ने बोला था व्हेन आई वाज इन इंडिया कि आईबीएम में सीट्स अवेलेबल है ले लो करके यू हैव फ्यूचर यू हैव स्कोप राइट राइट बट मेरे को आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स कहीं स्कोप नहीं दिखा इट्स अ बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स बेसिकली इट्स वेरी जेनेरिक जो मैंने सुना है इट्स जेनेरिक Exactly. Okay. दूसरा HR फिर क्यों लिया? HR लिया because तभी भी बोला था HR has a lot of scope. खुद research करी a little bit about it. और actually scope था HR में. So we had co-op and everything from the college. Okay. अगला मेरा question है कि उस Algonquin College के पास लोग accommodation में normally students कहाँ रहते हैं accommodation में? Accommodation की बात करें तो we have campus accommodation also. बराबर college के opposite है. Secondly, it's Deerfield College के Deerfield एक जगह का नाम है Deerfield इज जगह का नाम है which is to the west of Algonquin there's maple leaf apartments also जो Algonquin के सामने पड़ते हैं center point पे also student accommodations है ओके अगर कोई इंडिया में बैठा है नहीं दे वांट टू सी के भाई क्या प्राइस चल रहा है क्या रेट चल रहा है इसका तो वो फेसबुक मार्केटप्लेस पे ये 2-3 जगहों के नाम डाल के दे कैन सी के क्या कॉस्ट चल रही है नॉर्मली क्या रेंटल है यहाँ पे क्या कॉस्ट है शेयरिंग में और प्राइवेट रूम का शेयरिंग आपको मिलेगा 350-400 के इस पे इन एन अपार्टमेंट इन एन अपार्टमेंट या शेयरिंग बेसिस पे अगर पर्सनल में जाना है तो टॉकिंग अबाउट माय एक्सपीरियंस मेरा फर्स्ट टाउन हाउस रेंट वाज 700 For a private room. For a private room. Okay. और washroom private था? नहीं. Washroom sharing था. Sharing था. Okay. Second वाला भी जो मैं वहाँ move हुई हूँ, it is roughly around 850. इसमें washroom private है? नहीं. Okay. आपने social media में recently देखा होगा कि बहुत ज़्यादा hate मिल रही है कि colleges जान के fail करते हैं बच्चों को. उसकी reality क्या है? उससे पहले भी tell me how difficult is the course? My IBM course was not that difficult. Okay. But HR की बात करें तो difficult था in subjects like project management या overall it was more difficult than international business. Yes, for sure. Do students fail that class? आपकी class में students fail होते थे? हाँ जी. तो कितने जैसे मतलब 100 में से कितने लोग fail होते थे? 100 में से subject wise बात करें again PM it was difficult for them. At least आधे से ज़्यादा class was off the track. कुछ subjects में? कुछ subjects में. सारे नहीं. Okay. But some professors are very helpful. आपको बहुत अच्छे से guide करते हैं from start to end. Some professors ये है you have to do it on your own. I think but my question is do you feel Algonquin College में जान पूछ के fail करते हैं या ऐसा कुछ है या फिर जो fail हो रहा है वो अपनी mistakes की वजह से ही fail हो रहा है? I think Algonquin is fair with failing or passing. Okay. Yeah, I would say academics. Okay. Again depends. Depends really. Yeah. I did not face that. मेरे को नहीं लगा कि मेरे को जान पूछ के fail किया जा right, रहा है right. or something. Though I did not ever fail. Ever yeah, fail. Yeah. yeah. That's her personal experience. That you never felt कोई भी जानबूझ के fail हो रहा है. बाकी it's the case to case basis. Very nice. तो this is my favorite question to ask. जो भी college में पढ़ते हैं. मैं Canada आया था पढ़ाई करने international exposure लेने. तो क्या आपकी class में जो diversity थी उससे आपको international exposure मिला? जी नहीं.
तो ऐसा क्यों, क्या था, क्या क्लास की डाइवर्सिटी थी, इफ यू वांट टू टेल मी? डाइवर्सिटी इन द टर्म्स ऑफ 50-55% इंडियंस, बाकी ब्राजीलियंस हुए, अफगानिस्तान से हुए, पाकिस्तान से हुए, देन देयर वर चाइनीज ओरिजिन्स और 1-2 कैनेडियंस. तो एक दो कैनेडियंस और बाकी सब इन रीजन से. तो बहुत क्रेजी डाइवर्सिटी नहीं थी, बट स्टिल बेटर देन जो टोरंटो के कॉलेजेस हैं जहां पे 99% इंडियंस ही एनरोल्ड है. बट स्टिल बेटर देन. ऑटवा का ये फायदा है अगर आप ऑटवा के कॉलेज में आ रहे हो. अब आप मुझे बताओ कि आपका जो नॉर्मल स्केड्यूल था वो क्या रहता था, कितने दिन हफ्ते में क्लासेस होती थी, क्या पार्ट टाइम जॉब करने के लिए 3-4 दिन 2-3 दिन मिल जाते थे, हाउ वाज इट? क्लासेस की बात करें तो ऑलमोस्ट 4 days इन अ वीक अच्छे खासे से स्केड्यूल बनाया था. इवनिंग्स में मोस्ट ऑफ द क्लासेस थी, से अराउंड 1:30 से लेके 6:30 तक. Okay. और कभी एक लेक्चर हुआ तो इट्स ओनली 1-2 hours probably. Okay. Part time job के लिए फिर आपके पास कितना time बचता था? When I started, तब 20 hours ही थे. Okay. तो मैं करती थी Friday, Saturday, Sunday. Yeah. तो Saturday, Sunday की पूरी shifts, Friday या Wednesday को आधी आधी करी थी. Okay. 20 hours के हिसाब से, 24 hours के हिसाब से जो नया रूल है, हाँ जी. You think enough time मिल जाएगा किसी को भी 8-8 घंटे की 3 shifts करने? Yes. Okay, very nice. So next question, जो क्वेश्चन मैं जानना चाहता अगर मैं इंडिया में ये वीडियो देख रहा होता, इस रीजन में ऑटवा में क्या पार्ट टाइम जॉब्स की सिनेरियो है? बहुत ही इजीली जॉब्स मिल गई थी, 1 दिन में 2 दिन में 1 हफ्ते में जॉब्स मिल गई, या महीनों लग गए जॉब्स के लिए? योर पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? मैं बोलूंगी कि आई वॉज लकी इन फाइंडिंग जॉब्स. ओके. मेरे को फेयरली कॉलेज चालू होने से पहले ही जॉब लग गई थी पार्ट टाइम, इन हैंड रेज्यूमे पहली वाली. तो पहली वाली जॉब वाज योर इन पर्सन रेज्यूमे जाके इन हैंड देके. सेकंड और थर्ड की बात करूं तो रेफरल थ्रू मिली है. ओह वेरी नाइस. सेकंड जॉब आपको रेफरल से मिली है? यस. ओके. और कोई जॉब आपने करी? थर्ड जॉब अगेन वाज थ्रू अ रेफरेंस. थर्ड जॉब भी रेफरल से मिली है? ओके. एंड द लास्ट फाइनल दिस जॉब इज आल्सो थ्रू अ रेफरल. जो ये आपकी फुल टाइम जो जॉब है पार्लियामेंट के साथ, हां जी, दैट इज थ्रू अ रेफरल एज वेल. तो भाई अगर 4 में से 3 जॉब रेफरल से मिल रही है, सो देयर इज अ लर्निंग देयर, राइट, दैट यू हैव टू बिल्ड योर नेटवर्क, नो पीपल एंड बी वैल्यूएबल इनफ दैट यू कैन आस्क फॉर अ रेफरल. और वो आपको रेफरल दे भी, कि उनको इतना भरोसा है कि हां अगर मैं रेफरल दूंगा इस पर इस इंसान को तो देयर गोना लिव अप टू द जॉब. आप लायबल होने चाहिए रेफरेंस के लिए, सो इट विल नेटवर्किंग हेल्प्स अ लॉट. वंडरफुल वंडरफुल. लेट्स रेट दोनों कोर्सेज के, दोनों कोर्स को आउट ऑफ 10 आप दो. एक इंटरनेशनल बिजनेस था, दूसरा एचआर वाला था. हां जी. तो हाउ वाज इट एट एल्गोनक्विन कॉलेज? द फर्स्ट कोर्स इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट प्रोबेबली अ 2 or 2.5 के रेंज में. सेकंड कोर्स आई फील फेयरली इज अ 8 or 9. रियली? एचआर वाला कोर्स, इज इट दैट रिगरस या बहुत ज्यादा कुछ अच्छा सिखा रहे हैं या कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू एक्सेल इन एचआर यू गेट अ प्लेसमेंट और अ को-ऑप, आई वुड से नॉट अ प्लेसमेंट. ओके. को-ऑप. अ को-ऑप. एंड को-ऑप यूजुअली टर्न्स इनटू अ फुल टाइम ऑफर, जितना मेरा एक्सपीरियंस है. यूजुअली वो कंपनी के स्टैंडर्ड्स के परवाह नहीं. राइट राइट. करो सारा तो यू हैव द चांस. कोई मेरे को बोला था को-ऑप इज अ 4 month लॉन्ग इंटरव्यू. मतलब एक ऐसा एक जोक है ना कि को-ऑप इज अ 4 month लॉन्ग इंटरव्यू, दैट दे आर इंटरव्यूइंग यू फॉर 4 months टू सी कि आप फुल टाइम के लिए एलिजिबल होगे कि नहीं. यस. तो आपका इंटरव्यू चल रहा होता है डेली बेसिस. जैसा अभी आपने मुझे बताया ऑफ कैमरा कि आपकी जॉब इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, नेचर ऑफ योर जॉब इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, यू कांट से अ लॉट, बट कोई टिप्स उन स्टूडेंट्स के लिए जो वर्क परमिट पे आते ही सरकार के लिए काम करना चाहते हैं जैसे आप कर रहे हो, गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, क्या एक दो इनवैल्यूएबल टिप है? आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंच. Okay. आपको गवर्नमेंट में काम करना है, फ्रेंच इज एन एसेट. बीइंग बाइलिंगुअल, ज्यादा से ज्यादा, नॉट ओनली फ्रेंच, इफ यू नो एनी अदर लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम फ्रेंच, दैट इज आल्सो टर्म्ड एज एन एसेट. ओके. सो यू शुड रियली हाईलाइट इफ यू नो, एक तो बाइलिंगुअल बनना भी है तो पहले तो फ्रेंच, और भी कुछ आता है तो अच्छे से मेंशन करो कि आपको और लैंग्वेजेस आती है, दैट कुड बी एन एसेट. सो दैट वाज ग्रेट, दैट वाज वेरी हेल्पफुल. थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ यूजफुल सीखने को मिला होगा. मिला तो प्लीज सब्सक्राइब, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो. मेरा इंस्टाग्राम है पीयूष मेहरवाल, लीजा का इंस्टाग्राम मैंने नीचे डाल दिया. Thank you so much. Bye bye, and I will see you in the next video.